बड़ा अहम फैसला जिहड़ा सीएम ने मन्निया है, किसानों और खेत मजदूरों वास्ते एक पेंशन स्कीम बनाई जाएगी, जिहड़े जिहदे लई उन्होंने कहा तुहाडी सलाह नाल बहुत जल्दी मीटिंग होएगी, उहदे विच पेंशन स्कीम का फैसला किया जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच असीं कहा कोई टेक्नोक्रैट नूं वाइस चांसलर लाया जाए, उहदे लई उन्होंने हुंगारा भरिया, पर नाल ही बैकडोर राही कुछ दिल्ली वालों के दबाव हेठ रजिस्ट्रार की पोस्ट भरने वास्ते इंटरव्यू कॉल की हुई सी। असी मंग की सी भी RSS के दबाव हेठ हो रहा है, पंजाब की खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी किसानों की यूनिवर्सिटी है, ये कोई टैक्निकल बंदे होने चाहिए है, जे रजिस्ट्रार भर्ती इस तरह कर लिया, जिहड़ा कि वाइस चांसलर नूं ही कानूनी तौर पर अधिकार है, जे किसी को एडिशनल चार्ज है वो भर्ती तो कर सकता, पर उन्हों फिर बाद ठीक करने वास्ते बहुत वड्डी कानूनी लड़ाई है, जिहदे विच उलझ के रह जाएगा मसला। असीं उन्हां नूं कहा इंटरव्यू कैंसल करो, सारियां नवें सिरे एप्लीकेशन मंगो, और किसी टैक्नोक्रैट नूं एक्सपीरियंस हैंड नूं रजिस्ट्रार लाओ, क्योंकि उन्हें सारी यूनिवर्सिटी दीआं भर्तियां करनियां हुंदियां, इह उन्होंने मन लई और इंटरव्यू कैंसल करन दा भरोसा दित्ता है। एक असीं उन्हां नूं कहा भी जिस तरह पिछले दिन बिजली बोर्ड दे विच भर्ती हुई है, उहदे विच 75-80% जिहड़े ने उम्मीदवार वो पंजाब तो बाहरों सिलेक्ट कर रहे गए हैं। असी उन्होंने कहा भी वो जी सिलेक्शन है रद्द करो, पॉलिसी बनाओ, 80-20 की रेशो तय करो, 80% जिहड़े ने वो पंजाब चो भर्ती हो, 20% बाहरले कैंडीडेट भर्ती हो, यह भी मुख्यमंत्री ने मान ली, और उन्होंने कहा भर्ती की असी ओवरऑल पॉलिसी बनाउन जा रहे हैं ताकि 80-20 की रेशो नाल पंजाब दे लोकां नूं पंजाब विच नौकरियां विच जगह मिल सके। करजा माफ़ी बारे असी बड़ा गंभीरता नाल ये मुद्दा उठाया भी तुसीं चोणां विच वादा कीता सी, हाले तां पूनी भी नहीं कत्ती, तुसीं वादा कीता सी 90,000 करोड़ माफ़ करन दा, ते इहदे बारे दसो तुसीं हुण जिहड़े बाकी दे दिन रह गए इहनां दिनां विच संभव ही नहीं, की करोगे? उन्होंने कहा जी मैं तुहाडे नाल छेती मीटिंग करके इहदा कोई हल लभांगा, पर असी कहा सी फिर कुरकियां क्यों हो रही हैं लोगों दियाँ? उन्होंने कहा कुरकियां करनियां बंद करने के हुक्म जारी कर देंगे। करजे के संबंध में उन्होंने कहा जल्दी हफ्ते के अंदर अंदर मीटिंग करांगे। एक जिहड़े 650 के करीब किसान शहीद हुए ने, उन्होंने परिवारों को बहुत 1/3 परिवारों को नौकरियां मिलियां ने या मुआवजा मिलिया, उहदे संबंध च उन्होंने कहा सानूं लिस्ट दिओ, असीं सारिआं नूं नौकरी और मुआवजा तुरंत दे देंगे, जिहड़ी तुसीं लिस्ट दोगे उन्हां सारिआं नूं दे देंगे। गन्ने की पेमेंट 360 रुपये भाव मिथे आ, सरकार ने 35 रुपये अपने कोलों शुगर मिलों वाले नूं देण नूं दित्ता, असीं उन्हां इह ते इतराज़ किया भी तुसीं इनडायरैक्टली गन्ने की जिहड़ा बेस कीमत है यह 35 रुपये दे के 360 चों 325 ते लिया रहे हो, ये सानू मंजूर नहीं, सानू काउंटर ते 360 रुपये कीमत कह के मिलने चाहिए, ये नहीं भी 35 रुपये सरकार ने दिता एक बोनस वांगू गिण लो ते 325 रुपये प्राइस 360 कीमत होके वो थले नहीं आनी चाहिए, ये उन्होंने मनिया। और उन्होंने कहा असी कहा सी भी ये साढ़े नाल टोटल पेमेंट चाहे सरकार ने करनी चाहे उन्हें सानू पूरे 360 मिलने चाहिए है। उन्होंने कहा मैं गन्ना मिलों वाले नाल भी मीटिंग करदा ताकि तुहानू पूरी पेमेंट मिल सके, और जिहड़े 14 दिन तो लेट पेमेंट करनगे मिलों वाले उहदे ते ब्याज भी किसानों नूं मिलेगा जिस तरह कानून विच प्रावधान है। DAP ते यूरिया की सप्लाई नूं यकीनी बनाउण वास्ते उन्होंने कहा साढ़े कोल 22 नवंबर तक इन्हां DAP ते यूरिया की सप्लाई रेगूलर हो जाएगी, ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो बिना असी मांग कीती सी कि जिहड़े सब्जी उत्पादक ने उन्हां दे खेतां विच सब्जियां नूं रात नूं पानी नहीं लग सकदा, बिजली दिने सप्लाई कीती जाए, ये भी उन्होंने मंग लिया। लक्कड़ मंडियां दे विच लुट हुंदी है किसानां दी, असीं कहा इहनूं रेगूलेट करन वास्ते बहुत देर पहलां मंडी बोर्ड ने एक्सरसाइज कीती सी पर उहनूं लागू नहीं कीता, ये छेती तों छेती मंडियां रेगूलेट कीतियां जाण, ये उन्होंने मंग लई। इस तरहां कुछ 500 किसान ने जिन्हां ने ड्रिप इरीगेशन दे नां ते कनैक्शन लए सी उन्हां नूं बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, किसी 37,000 किसी भी वध बिल आ, उन्होंने असी क्या उन्होंने एग्रीकल्चर
जिहड़ा एपी कनैक्शन मन लिया जाए और उन्होंने भी बिजली फ्री दिती जाए, ये उन्होंने मंग मन रही। दुध के भाव बारे असी मुद्दा उठाया भी ये घट्टो घट 10 रुपए पर फैट के हिसाब न दुध का भाव मिथ्या जाए, घट्टो घट 50 रुपए हो जोड़े सी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने को महकमा है, उन्होंने कहा असी छेती ये फैसला लै रहे हैं